पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य में एक ऐसी मेगा किचन है जो 100-200 नहीं बल्कि दिन में 50,000 से ज्यादा मील्स तैयार करती है। इसके जरिए ये बहुत ही गरीब स्टूडेंट्स की एजुकेशन में अपना योगदान देते हुए उनमें खेल के मैदान में चमकने और पढ़ाई में कामयाब होने के सपने बुनने की ताकत देती है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि गरीब बच्चों के लिए कुछ किया जाए। ये वो रसोई है जो स्कूल में घर से दूर एक और घर का एहसास जगाती है। तो 8,000 के 3-4 बैचेस में हम 25,000 मील्स कंप्लीट कर लेते हैं। फूड और एजुकेशन को एक साथ लाने वाली ये है मेगा किचन। वेलकम टू कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। भुवनेश्वर में आज खिली धूप वाला खुशनुमा दिन है। ये राजधानी है पूर्वी भारत के राज्य ओडिशा की। गेट्स के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा है, पर सब शांत हैं। इस भीड़ में बड़ी तादाद में छोटे बच्चे हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स लाए हैं। यंग एडल्ट्स भी हैं जिनमें से कई तो अपने गाँव से बड़े शहर तक का सफर करके छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल अटेंड करने आए हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। गेट्स के अंदर आकर बच्चे और पेरेंट्स लाइनों में खड़े होते हैं। पिछले साल से यहाँ पढ़ रहे बच्चे चेक इन के तौर तरीके जानते हैं। माहिर हाथ हर एक बैग की जांच करते हैं और कई आइटम्स जो हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं उन्हें फौरन अलग कर दिया जाता है। हाँ हाँ, दिखाओ, ये क्यों लाए हो? जाओ अपने मम्मी पापा को बुला के लाओ, इसे यहीं रख दो। अपने बच्चों को छोड़ने आए पेरेंट्स के लिए ये पल मुश्किल भरे होते हैं। आपको याद है ना कि हमने आपको कहा था जब बच्चे को हॉस्टल छोड़ने आए तो पका खाना ना भेजे, क्या भूल गए थे? मगर सावधानी रखना भी जरूरी है। यहाँ इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वगैरह यहीं पर मिलता है, इसलिए हम घर से जो भी पका खाना आता है वापस कर देते हैं उसे, समझ गए? आप लोग इसे रास्ते में खा लीजिएगा, ले जाइए। मैंने ठीक किया ना? एक दूसरी लाइन में बच्चों की हल्की फुल्की जांच की जा रही है ये देखने को कि कहीं छुट्टियों में उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं हुई। कायदे सख्त हैं और स्टाफ हर चीज की जांच करता है, क्योंकि अगले 10-11 महीनों के लिए यहाँ दाखिल हर बच्चे के लिए ये होगा होम अवे फ्रॉम होम, दुनिया के इस सबसे बड़े ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल में। 80 एकड़ में फैला हुआ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज देश के किसी भी और कैंपस से अलग है। यहाँ कुल स्टूडेंट्स की तादाद 25,000 से ज्यादा है और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। इनमें हैं भविष्य के ओलंपियंस, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स चैंपियंस, उभरते डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट्स और अचीवर्स। ये भारत की कुछ सबसे गरीब और सामाजिक तौर पर बेहद पिछड़ी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद लेकर। और ये स्कूल इनके लिए खाना बनाता है, पर किसी आम रसोई में नहीं बल्कि इस मेगा किचन में। ये काम करती है हफ्ते के 7 दिन, तैयार करती है दिन में 50,000 से ज्यादा फ्रेश मील्स, इतने कि पूरी इंडियन नेवी का पेट भर जाए। स्कूल का पहला दिन सुबह के 6 बजे है। शुरुआत होती है नाश्ते से, जो है दिन का सबसे अहम खाना। इनमें से ज्यादातर बच्चे सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं और दिन में इन्हें काफी काम करने हैं जो रात 10 बजे तक पूरे होंगे। ये है वो जगह जहां 25,000 स्टूडेंट्स की देखभाल की जबरदस्त चुनौती का एहसास होता है, जिसमें नाश्ते के अलावा शामिल है दिन में 2 बार खाना बनाना
और साथ ही स्नैक्स और सप्लीमेंट्स तैयार करना। इसके लिए जरूरी है एक स्ट्रिक्ट सर्विस स्ट्रेटजी। बच्चों को कैंपस में 3-4 अलग अलग जगहों पर सर्व किया जाता है। हमारा मेनू के हिसाब से फिक्स है, जैसे हमारा वीक डेज होता है, जैसे मंडे को हम लोग का है चूड़ा विथ मिल्क, आज ट्यूसडे है, आज कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क है, कल वेडनेसडे है, चूड़ा के साथ हम लोग बनाना देते हैं, ऐसे सारा हमारा वीक डेज का मेनू होता है। नाश्ता बच्चों के हॉस्टल रूम्स के ठीक बाहर जल्दी से सर्व किया जाता है। नाश्ते में आज है दूध और कॉर्नफ्लेक्स, जो न्यूट्रिशन के लिहाज से अच्छा है। अभी मैं कॉर्नफ्लेक्स खा रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है, और इससे मुझे बहुत ताकत और स्टैमिना और बहुत प्रोटीन मिलता है। एक वक्त के नाश्ते में करीब 1000 किलो कॉर्नफ्लेक्स और 5000 लीटर दूध लगता है, यानी इतने कॉर्नफ्लेक्स कि 4 लोगों की फैमिली करीब 20 साल तक खाती रह सके। हर बाउल में 40 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स, 200 ml मिल्क देते हैं। नाश्ता करने वालों में शामिल हैं मुन्ना मुर्मू, यहाँ का सीनियर स्टूडेंट और स्कूल के टॉप स्पोर्टिंग हीरोज में से एक। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस जाते हैं, तो ये दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाने से हम लोग को थोड़ा एनर्जी मिलता है, थोड़ा सा स्लाइड करते हैं और प्रैक्टिस के लिए थोड़ा एनर्जी मिलता है और जाते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं। 3, 4, 5, ओके, 1 leg, 1 foot, अंदर leg। मैदान में मुन्ना की रग्बी स्किल्स ने उन्हें न सिर्फ यहाँ का बल्कि भारत को रिप्रेजेंट करने वाली नेशनल टीम का भी एक कीमती खिलाड़ी बनाया है। रग्बी स्ट्रेंथ और फोकस का खेल है, और मुन्ना टीम के अपने साथियों में अलग ही दिखते हैं। मैदान में उन्हें जमकर खेलते देखकर नहीं लगता कि ये नौजवान देश की एक पिछड़ी कम्युनिटी से आता है। ये है उड़ीसा के खोडा जिले का एक छोटा सा ट्राइबल गांव, जहां मुन्ना का घर है। उनकी फैमिली चावल के अपने छोटे से खेत में मेहनत करके गुजारे लायक फसल पैदा करती है। उनका खाना वो होता है जो उनके आसपास उगता है। मुन्ना की माँ सहजन की पत्तियों का साग पका रही है। इसके साथ वो खिलाएंगी एक कटोरा चावल, जिसे रात भर पानी में भिगोया गया है। किस्मत से मुन्ना बड़े शहर के स्कूल में है और रग्बी में भारत की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। सिलेक्शन हुआ जबकि इसमें मेरे को अंडर 19 में, तो मेरे को मौका मिला कि फ्रांस जाने के लिए। मैं भी बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था बाहर जाने के लिए। 2010 से मैंने सीरियन में एंट्री किया, तो अभी मैं सीनियर में खेल रहा हूँ। कलिंगा इंस्टीट्यूट ने इनके खेल में सुधार लाने और अपने हुनर को चमकाने और शरीर की ताकत बढ़ाने में भी मदद की है। ये उनमें से एक हैं जिन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खिलाया जाता है, जो हर रोज ताजा बनता है यहाँ की मेगा किचन में। ये एक मास प्रोडक्शन किचन है जो एक बार में 10,000 मील्स बना सकती है, क्योंकि जरूरत इससे दुगनी तादाद की है। इसीलिए खाना बनाने का काम कई बैचेस में बांटा गया है। पहले 10,000 मील्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हैं और अगले 10,000 हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। इतनी तादाद करीब 80 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स के यात्रियों को खाना खिलाने के लिए काफी है। लेकिन रसोई तो इससे ज्यादा खाना पकाती है,
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 5000 मील्स और बनाए जाने हैं। इतना सारा खाना 12 बजे तक बन जाना चाहिए, इसीलिए रसोई के पास पूरा खाना बनाने के लिए करीब 3 घंटे ही हैं। ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं मिस्टर ईश्वर। साल दर साल स्कूल में दाखिले बढ़ते गए हैं और बढ़ती गई है रसोई। खाना बनाने का तरीका पुराना ट्रेडिशनल ही था। फर्क यह है कि घर पर हम छोटे बर्तन यूज करते हैं जबकि यहाँ बड़े बड़े बर्तन यूज होते हैं। पहले 14,000 लोगों का खाना बनाने के लिए 6 से 7 घंटे का वक्त लग जाया करता था और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा वक्त लगता था, इसलिए हमने इसे बदलने का सोचा। मेन किचन एरिया स्टीम कुकिंग की सहूलियत के हिसाब से बना है, जहां है 680 लीटर के 8 बड़े वेसल्स सब्जियां और दालें बनाने के लिए और 380 लीटर के 20 बड़े वेसल्स चावल उबालने के लिए। डीजल या एलपीजी से चलने वाले 4 बॉयलर्स भाप पैदा करते हैं जो डेडिकेटेड पाइपलाइन से आती है। रसोई के पास ही है बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल जो असेंबली हॉल का काम भी करता है। खाना पकाने की तैयारियों की शुरुआत होती है चावल और भीगी दालों को धोने से। हर रोज की तरह आज भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं, जैसे 4000 किलो से ज्यादा चावल जो एक एवरेज रूरल इंडियन को 50 से ज्यादा साल तक खिलाने के लिए काफी है। दिन का मेन्यू है चावल के साथ दाल से बनी करी दालमा। दालमा इलाके की एक खास डिश है जो भीगी दालों और सब्जियों को उबालकर बनाई जाती है। सब्जी के हिसाब से ये न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होती है बल्कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। और सबसे बढ़कर दालमा परंपरागत खाना है जो घर से दूर इन बच्चों को बहुत पसंद है। That is single bond hydrogen or contributing. मुन्ना के शुरुआती साल कलिंगा इंस्टीट्यूट में बीते हैं और इसी क्लासरूम से इनका आने वाला भविष्य संवरेगा। आज उन्हें कई लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे उड़िया, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन जब वो पहली बार यहाँ आए थे तब ऐसा नहीं था। ये उन बच्चों में से थे जो उड़ीसा के करीब 62 ट्राइब्स में से एक में बोली जाने वाली लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे। लैंग्वेज लैब में स्कूल के सबसे कम उम्र के बच्चे खेल के जरिए चीजें सीख रहे हैं। मोटर गाड़ी घर घर। ये शुरुआती तैयारी बच्चों की स्टेट और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड करिकुलम के साथ मेल बैठाकर मेन स्ट्रीम से जुड़ने में मददगार रहती है। ताकि जब ये बच्चे मंदाकिनी मांझी की उम्र तक पहुँचे तो उनको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत न आए। मंदाकिनी कलिंगा इंस्टीट्यूट के तौर तरीकों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल गई है, चाहे वो क्लासरूम हो या स्कूल की दूसरी सहेलियों के साथ मेगा किचन में हाथ बटाना। यहाँ के तमाम सीनियर स्टूडेंट्स के लिए ड्यूटीज का एक वीकली रोस्टर बनाया जाता है और हर दिन करीब 250 स्टूडेंट्स को सब्जियां काटने के साथ ही और कई तरह के काम दिए जाते हैं। सब स्टूडेंट हर एक कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे जो 25,000 बच्चे हैं जो उन लोगों के लिए सब्जी काटेंगे और वो किचन में वो रसोई करेंगे और देंगे, इसलिए यहाँ पे वो सब चीज़ जो कि हमें घर में रहने से जो सीखना चाहिए था वो हमें यहाँ सीखने के लिए मौका मिलता है। सौ से 130 लड़कियों को काम बांटे हुए हैं, क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, इवनिंग शिफ्ट के लिए 7 days a week। आज खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली हैं करीब 2400 किलो कटी हुई और कद्दूकस की हुई सब्जियां। हम इसे डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। किसी की भी 45 से 50 मिनट से ज्यादा की ड्यूटी नहीं है।
मैदान में इस इंस्टीट्यूट की टॉप स्पोर्ट्स वुमन में से एक मंदाकिनी इंडियन नेशनल खो खो टीम में भी है। मैदान के बाहर वो उस वॉलंटियर ग्रुप का हिस्सा है जो लंच की तैयारियों को एक कम्युनिटी अफेयर बना देता है। सब्जियों का हर लॉट कटने के बाद अच्छे से धोने के लिए ले जाया जाता है, जिसके बाद ये करी में डलता है। मेन किचन एरिया में रसोइये बहुत तरह के मसालों का घोल बना रहे हैं जो दालमा में डलेगा। अनुभवी हाथ तरह तरह के मसाले सही क्वांटिटी में डालते हैं। कम मसाले का मतलब कि बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा, और अगर मसाला ज्यादा हुआ तो ये खाने लायक नहीं होगा, खासकर बहुत छोटे बच्चों के लिए। इंग्रेडिएंट्स का नाप वगैरह काफी कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है। हर उस आइटम के लिए हमारे यहाँ एसओपीज हैं जो हम बना रहे हैं, तो यहाँ रेशो फिक्स्ड है, तो इस तरह से टेस्ट का भी ध्यान रखा जाता है, साथ ही न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी। स्टीम कुकिंग सेक्शन में क्रू ने उबालने वाले बड़े बड़े वेसल्स तैयार कर लिए हैं। आज की दालमा में करीब 2500 किलो दाल और पम्पकिन जैसी 2400 किलो सब्जियां होंगी। छोटे वेसल्स में हम करीब 100 किलो चावल डालते हैं और ये 7 से 8 मिनट में रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से बड़े वेसल्स में हम करीब करीब 150 किलो दाल और साथ ही 200 किलो सब्जियां डालते हैं। हर काम बहुत ही सफाई से किया जाता है और ये तैयार होता है करीब 17 से 19 मिनट में, डिपेंड करता है कि हम कौन सी सब्जियां डाल रहे हैं। दोपहर होने को है और खाना भी लगभग तैयार है। अभी तक 2500 किलो राइस बन गए हैं। जहां तक डालमा की बात है, 38 क्विंटल बन चुकी है और अभी 60 क्विंटल यानी करीब 700 किलो बननी बाकी है। 11:15 तक ये बन जाएगी। वैसे खाना 12 बजे शुरू होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिले नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि रसोई काम में जुटी है, क्योंकि डाइनिंग हॉल के बाहर हजारों बच्चे लाइन में लग चुके हैं। स्टूडेंट वॉलंटियर्स भी अपने स्टेशन्स पर पहुंच गए हैं। उनका काम है तैयार चीजों को ट्रॉलीज में ले जाना, जिसे बांटने के लिए छोटी छोटी बाल्टियों में पलटा जाएगा। डाइनिंग हॉल 24,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा है, इतना कि 2 बेडरूम के 25 से ज्यादा घरों की एक छोटी सी कॉलोनी इसमें समा जाए। लेकिन 25,000 से ज्यादा बच्चों को बैठाने के लिए इतनी जगह भी काफी नहीं। यहाँ आधे में बैठते हैं लड़के और आधे में बैठती हैं लड़कियाँ, तो 8,000 के 3-4 बैचेस में हम 25,000 मील्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 12 बज चुके हैं और अब होगी शुरुआत खाने की। अंदर आने के साथ ही बच्चे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। लड़के हॉल के एक तरफ जाते हैं तो लड़कियां दूसरी तरफ। अगले 2 घंटों में पहली क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के सब स्टूडेंट्स लंच कर लेंगे। छोटे ग्रुप को ही देखें तो इसमें ओडिशा की करीब 62 इंडिजिनस ट्राइब्स के बच्चे मिलेंगे। ये चीज न सिर्फ कलिंगा इंस्टीट्यूट मील सर्विस को पैमाने के लिहाज से मेगा बनाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के खड़े होने के लिए मजबूत बुनियाद भी तैयार करती है। हालांकि लंच शुरू हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रसोई में काम रुक गया है। रसोइयों का हाथ बटाने आए हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर अच्युत सामंता, जिन्होंने करीब 25 साल पहले इस स्कूल की शुरुआत की थी।
मैं बेहद गरीबी में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ। ओडिशा के एक बहुत ही रिमोट विलेज में, और मैं बता सकता हूँ भूख और गरीबी क्या चीज़ होती है। हम इतने गरीब थे कि हमें दो दो दिन तक एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। भूख के मारे पेट में दर्द होता था। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि गरीब बच्चों के लिए कुछ किया जाए। डॉक्टर समंता ने 1993 में कलिंगा इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। ऐसे 125 स्टूडेंट्स से जो इंडिजिनस ट्राइब्स की गरीबी रेखा से नीचे की फैमिलीज के थे, रसोई का पौष्टिक खाना उन आकर्षणों में से एक था जिसने मंदाकिनी और मुन्ना जैसे बच्चों को स्कूल की तरफ खींचा। घर में तो इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, और जब किस में गया तो किस से मेरे को अच्छा खाना मिला, ब्रेकफास्ट से लेकर पूरा लंच तक, डिनर तक। क्योंकि घर का राइस तो वाटर राइस खाते थे, बस वाटर राइस हर टाइम। घर में तो कभी कभी खाते थे, और कोई कोई दिन तो ऐसे ही तो दिन में तो भूख में रह जाता है, रात को खाते थे। ब्रेकफास्ट की ही तरह लंच भी सादा होता है, जिसमें बस दो चीजें होती हैं। लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर मेन्यू बनाना भी ऐसा काम है जिसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों की इतनी बड़ी तादाद है और उनके रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं। मिसाल के लिए, हो सकता है कुछ नए भर्ती हुए बच्चों को कुपोषण की वजह से कोई बीमारी हो। हेल्थ पैरामीटर हम देखते हैं, बच्चे एनीमिक है कि नहीं, रक्तहीनता जो इसको बोलते हैं, एनीमिक है कि नहीं, अभी कोई स्किन डिजीज है या पहले उसके गांव में जो कुछ डिजीज है उसको मालूम है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं किया है, उनको हम पूछते हैं। अगर वो बोलते हैं उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ भी उसको ट्रीटमेंट देते हैं। फिर बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी गरीबी की वजह से खाने पीने की आदतें गड़बड़ा जाती हैं, जिससे उनके ओवरऑल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। वो एरिया मेल न्यूट्रिशन एरिया कहलाता है, जहाँ स्टूडेंट को दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। वो जंगल जाते हैं और जो फ्रूट्स मिलते हैं वो खा लेते हैं, और हमने देखा है कि ये लड़के कभी भी बढ़ नहीं पाते। ऐसे बच्चों को अक्सर मील सप्लीमेंट्स जैसे एग्स और एक्स्ट्रा दूध दिया जाता है, खासकर तेजी से बढ़ती उम्र के इन छोटे छोटे बच्चों को। वहीं दूसरी तरफ हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिनका फिजिकल रूटीन ऐसी डाइट की मांग करता है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो। यहाँ हम उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स भी। हमारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम प्रोटीन वैल्यू पर ध्यान दे रहे हैं। और वीक के तीन दिन हम बनाते हैं नॉनवेज, वेंसडे, फ्राइडे और संडे। मेन्यू में फिश और चिकन जैसे नॉन वेज आइटम्स भी हैं, जो हफ्ते में कम से कम दो बार बनते हैं। हर हफ्ते 2400 किलो चिकन और फिश, और एक महीने में करीब 75,000 एग्स दिए जाते हैं। परोसने का काम नॉन स्टॉप चलता है, क्योंकि बच्चे आते हैं, खाते हैं और फिर अगले बैच की बारी आती है। खाना खाने के बाद बच्चे अपनी थालियां साथ लेकर निकलते हैं और उन्हें धोते हैं। हर बच्चा अपने बर्तनों का इंचार्ज होता है और उन्हें अच्छे से साफ करना भी उसी का काम है। यहाँ जैसा सिंपल मेगा डिश वॉशिंग सिस्टम शायद और कहीं नहीं है। लंच खत्म होने पर स्टूडेंट्स वापस मेन स्कूल बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई की क्लासेस भले ही खत्म हो चुकी हों, पर उनके और रसोई के लिए स्कूल डे खत्म होने में अभी काफी समय है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में 25,000 से ज्यादा बच्चों को खाना खिलाने वाली लंबी चौड़ी लंच सर्विस खत्म हो गई है।
जिन स्टूडेंट्स की रेगुलर क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, वो अब अलग अलग एक्टिविटीज में लग जाते हैं। पिछले कुछ सालों से लंच के बाद रंजीत नायक स्पोर्ट्स फील्ड में ही दिखता है। ऊंचे कद का ये नौजवान नायक इंडियन आर्चरी सर्किट में काफी नाम कमा रहा है, लेकिन रंजीत का सपना नेशनल चैंपियनशिप से भी और आगे जाने का है। अभी रियो ओलंपिक के लिए मैं टॉप फॉर्म में था, सिलेक्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी मेरा सपना है कि 2020 ओलंपिक में मैं पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। एक ही रिदम में उसको आगे पीछे नहीं, जैसा टेंशन है उसको एक ही रिदम में कंप्लीट करो स्मूथली। 2016 में नायक रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होते होते रह गए, पर इससे ओलंपिक्स में जाने के उनके सपने और मजबूत ही हुए, और सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सपने मजबूत हुए। ये ओलंपिक्स में पहुंचते पहुंचते रह गया, अब ये 2020 में ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसने मेहनत की, अपनी टेक्निक को सुधारा, तो जरूर कामयाब होगा। अगर रंजीत नायक इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो 2020 में ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा दुती चंद की तरह, और हमारे लिए मेडल जरूर लेकर आएगा। लगभग सभी स्टूडेंट्स बेहद गरीब फैमिली से हैं, जो उड़ीसा के इंडिजिनस ट्राइब से हैं, जिनमें से 13 तो खास तौर पर चिंताजनक कैटेगरी में है। स्कूल इन्हें फ्री एजुकेशन और मील्स भी देता है ताकि इनके विकास में कोई कमी ना रहे। डॉक्टर पी के दास मेगा किचन के क्वालिटी इंचार्ज हैं। ये रूटीन चेकअप कर रहे हैं और इनके साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रेमबाला। यहाँ चेक करने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि इस एक बैच से हजारों बच्चे खाना खाएंगे। एक जरा सी भूल के बड़े भारी नतीजे निकल सकते हैं, इसीलिए खाने की बराबर जांच होते रहना ही काफी नहीं है, पीने का पानी भी अहम है। 25,000 स्टूडेंट्स के लिए हमें पानी चाहिए, और ये पानी हम यहाँ आरओ प्लांट में जनरेट करते हैं। हम 50,000 लीटर स्टूडेंट्स को पानी पीने के लिए देते हैं और 50,000 कुकिंग के लिए, और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी पॉसिबल तरीका हो उससे पीने का पानी और कुकिंग में पानी कम ना पड़े। आरओ प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल इस्तेमाल करके पानी को प्योरीफाई करता है। प्लांट दिन में इतना साफ पानी प्रोड्यूस करता है कि एक एवरेज अर्बन इंडियन की 1.5 साल से ज्यादा की जरूरतें पूरी हो जाएं। रसोई के लिए स्टूडेंट्स की लगातार बढ़ती तादाद की जरूरतें पूरी करना हमेशा एक चुनौती रहा है। 1993 में यहाँ सिर्फ 125 बच्चे थे, 2010 तक तादाद बेतहाशा बढ़ते हुए करीब 12,000 तक पहुँच गई थी। उस समय रसोई में पुराने तरीके से एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से जलने वाले चूल्हों पर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जाता था, लेकिन ये सिस्टम थकाने वाला था, क्योंकि एक ही वक्त का खाना बनने में 6 से 7 घंटे लगते थे। दूसरे तरीकों की तलाश करते हुए हमें ये स्टीम कुकिंग बेस्ट लगी। ये तरीका पहले से ही देश की कई बड़ी किचन्स में यूज किया जा रहा था, जैसे बालाजी तिरुपति, जैसे कि आप समझ लीजिए वैष्णो देवी, जैसे शिरडी। पूरा फ्लोर प्लान रेनोवेट किया गया ताकि स्टीम कुकिंग पाइपलाइंस लगाई जा सके। ये नेटवर्क रसोई में एक जाल सा बनता हुआ एक एक वेसल तक जाकर उसमें भाप पहुंचाता है। इससे स्टीम की बर्बादी ना के बराबर होती है,
और हर चीज पहले के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा जल्दी पकती है। पूरा स्टीम नेटवर्क एलपीजी और डीजल से चलने वाले 4 बॉयलर्स पर टिका है। असल में हर साल रसोई इतना डीजल इस्तेमाल करती थी जिससे करीब 3 बार चांद पर जाकर लौटा जा सकता है, यानी ये मात्रा बहुत ज्यादा थी। पिछले कुछ सालों में स्कूल ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि हम हो नेचर फ्रेंडली, इट शुड बी नेचर फ्रेंडली, इसीलिए हमने पूरे इंस्टीट्यूट को पूरा ग्रीन कैंपस बना दिया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ने तमाम ग्रीन प्रोजेक्ट्स की देखभाल के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया है। सुबेंदु पांडा वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स पर नजर रखते हैं। यहाँ पर हम सोलर एनर्जी का बहुत जगह पर यूज करते हैं और ये जो सिस्टम है इससे पानी गर्म होता है सोलर एनर्जी से, इसको सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम बोलते हैं और इसकी कैपेसिटी है 10,000 लीटर्स पर डे। और वो गर्म पानी हम सीधा किचन में भेजते हैं और वहाँ लंच और डिनर बनाने के लिए उसी गर्म पानी का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से हमारा एलपीजी कंजम्पशन कम हो जाता है। 24,000 स्क्वायर फुट के डाइनिंग हॉल में भी तमाम बिजली और पंखे सोलर पावर से ही चलते हैं। इस सोलर पावर से पानी का पंप चलता है, फैन चलता है, लाइट जलती है और बॉयलर वगैरह जो भी इक्विपमेंट है वो भी सोलर पावर से ही चलती है। हम यहाँ कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं और उसी की वजह से हम दूसरी एनर्जी की कंजम्पशन कम कर रहे हैं और ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। क्लीन और ग्रीन होना भर ही एनवायरनमेंट के लिए कमिटमेंट नहीं दिखाता। जब बात 25,000 स्टूडेंट्स वाले स्कूल की हो तो अक्सर ये होता है सबसे असरदार ऑपरेशनल टूल। हम बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। रसोई से निकले सारे ऑर्गेनिक वेस्ट और खाने के बाद बची जूठन को कैंपस में लगे डेडिकेटेड बायोगैस प्लांट में पहुंचाया जाता है। इस प्लांट की कैपेसिटी है 1,000 किलो पर डे। पहले ऑर्गेनिक वेस्ट को काटा छांटा जाता है, फिर स्लरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बायो डाइजेस्टर में डाल देते हैं। डाइजेस्टर एक बहुत बड़ी मेटालिक स्टमक की तरह होता है जिसमें जमा हुए ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक किया जाता है। वेस्ट में पानी मिलाया जाता है जिससे ये सब कुछ स्लरी बन जाता है। मिक्स में खास किस्म के बैक्टीरिया डाले जाते हैं। ये सब कुछ फर्मेंट करके बायोगैस बनाते हैं जो 50-80% मीथेन होती है। हर रोज करीब 75 क्यूबिक मीटर बायोगैस रसोई में भेजी जाती है। और कैंपस में सिर्फ यही एक चीज नहीं है जो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। जूडो क्लास पूरी रफ्तार में है। छोटी उम्र की संगीता अपने दुबले शरीर को गलत साबित करते हुए जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। कलिंगा इंस्टीट्यूट के बिना शायद ही इसे सही तरह से पढ़ने लिखने का मौका मिल पाता, क्योंकि इस जैसी कई लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पेरेंट्स अक्सर इस रिवाज की अनदेखी करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे को विद्या और खाना दोनों ही मिलते हैं। आज टोटल स्टूडेंट्स में तकरीबन 60% लड़कियाँ हैं। शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, हमें उनके पेरेंट्स को कई तरह से समझाना पड़ता था। धीरे धीरे वो हमारी बात को समझने लगे, हम पर भरोसा करने लगे। मतलब ये कि वो भले ही अनपढ़ या पुराने ख्याल के हों पर वो चाहते हैं उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो और अच्छी एजुकेशन मिले। हर दिन स्कूल की कोशिश होती है कि वो बच्चों के पेरेंट्स से किए वादे को पूरा करें। लेकिन जब घर से दूर घर का एहसास देने की बात हो तो सिर्फ बड़े पैमाने पर खाना बनाना ही नहीं बल्कि प्लानिंग भी अहम होती है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ओडिशा की इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए काम करता है, जिनमें से कई तो इतने गरीब हैं कि यहाँ मिलने वाली कई चीजें उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी।
ढेरों ताजा सब्जियों से लदी गाड़ियां यहां के कैंपस में दाखिल होती हैं। मौसमी सब्जियों से भरी बोरियां उतारी जाती हैं और रसोई का स्टाफ उन्हें तौलता है। चलो 57। ऐसे आम दिन पर भुवनेश्वर और कटक के लोकल ग्रोअर्स करीब 1800 किलो ताजी सब्जियां भेजते हैं। देखिए, जितनी भी सब्जियां हैं वो हम लेते हैं सीधा ग्रोअर्स से। यहाँ ग्रोअर्स की एक मार्केट है जहाँ वो सुबह आकर ये बेचते हैं। सब्जियां डायरेक्टली ग्रोअर से खरीदने से बिचौलिए बीच में नहीं आते और सब्जियां सही दाम पर हमें मिल जाती हैं। 46। जल्दी खराब होने वाली सब्जियां पकाए जाने से पहले कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं, जहां 3 घंटे से भी कम वक्त में 25,000 से ज्यादा मील्स तैयार किए जाएंगे। कलिंगा इंस्टीट्यूट में तकरीबन हर मील में चावल रहता ही है और एक दिन में रसोई में हजारों किलो चावल की खपत होती है। इसीलिए इसकी खरीद किसी किराने की दुकान में जाने जैसी ना लगकर एक बोर्ड मीटिंग जैसी ज्यादा दिखाई देती है। चावल हफ्ते में एक बार खरीदा जाता है। एक अकेली खेप 500 क्विंटल या 50,000 किलो तक की हो सकती है। सब्जियों की ही तरह इन बोरियों को भी तोला जाता है। खेप को पास करने के लिए स्कूल के लोग खुद इसकी जांच भी करते हैं। क्वालिटी हम तो देखते हैं कि जैसे उनको ऑर्डर दिया गया है वो सैंपल के हिसाब से है या नहीं है, और है फिर हम देखते हैं कि हाँ ये सूटेबल है या नहीं है, अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ये सारी जांचें जरूरी हैं उस स्कूल के लिहाज से जहाँ 6 साल की उम्र के छोटे बच्चे भर्ती हों। मनिंदर उतनी ही उम्र का था जब वो पहली बार स्कूल में आया था। मैंने पहली बार 2011 में फर्स्ट क्लास में ज्वाइन किया था। पहले मैं जब आया तो मुझे पहले थोड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मनिंदर का यहाँ मन लगने में ज्यादा समय नहीं लगा। आज वो 11 साल का होशियार लड़का है जिसे मैथ्स पसंद है और इससे ये चेस का एक शानदार खिलाड़ी बन गया है। मैथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे मेरा चेस भी अच्छा हो गया है। मैं चेस मास्टर बनना चाहता हूँ। जहाँ स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे लोगों को खुद को फिजिकली मजबूत रखने लायक खाना चाहिए, वहीं मनिंदर को ऐसी डाइट की जरूरत है जो उसकी दिमागी ताकत को बढ़ाए, और वो इसे यहाँ मिलती है। खाने में मुझे चावल और दालमा बहुत पसंद है क्योंकि उसमें सब्जियाँ होती हैं जिससे मुझे कई तरह के विटामिन मिलते हैं और इससे मेरा विकास बहुत अच्छी तरह से होगा। वैसे इसके जैसे बढ़ते बच्चों के लिए महज 3 बार का खाना काफी नहीं है, सप्लीमेंट्री फूड्स भी उतने ही जरूरी हैं। खाने के साथ सप्लीमेंट देने के लिए एप्पल देते हैं जब एप्पल का सीजन होता है, ऑरेंज ऑरेंज के सीजन में देते हैं, लीची लीची के सीजन में देते हैं, और हाँ अमरूद। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने कलिंगा इंस्टीट्यूट को स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस प्रदान किया है। इंटरनेशनल पहचान से अलग कलिंगा इंस्टीट्यूट के आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। इसमें न सिर्फ दाखिलों की तादाद बहुत ज्यादा है बल्कि इसका ड्रॉप आउट रेट भी तकरीबन ना के बराबर है। साल में एक बार बच्चे अपने अपने घरों को जाते हैं 2 महीनों के लिए, मगर हर एक वापस लौटता है। यहाँ ड्रॉप आउट ऑलमोस्ट जीरो है। उन्हें अट्रैक्ट करने वाली चीजों में से एक है रसोई का खाना, और अब एक और मेगा मील तैयार होने की तैयारी में है, इस बार डिनर के लिए।
लंच से उलट डिनर आमतौर पर एकदम वेजिटेरियन होता है और तादाद दिन में बने खाने से कम ही होती है। सुबह के वक्त करीब 4200 किलो चावल लगता है, पर रात के समय जो खपत है वो थोड़ी कम हो जाती है, करीब 4000 किलो। सुबह के वक्त 2400 से 2600 किलो दाल लगती है, जो कि है अरहर या तूर दाल, ठीक है। और रात में यूज़ होती है करीब 2000 किलोग्राम। और आलू जो हैं वो सुबह और रात दोनों ही टाइम 1600 किलो ही लगते हैं, आलू की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। और सब्जियां करीब 23 से 24 क्विंटल, या आप यूं कह सकते हैं 2300 से 2400 किलो लगती है दोनों समय पर। दोपहर बाद 3 से शाम 7 बजे के बीच ये रसोई दिन के आखिरी मील की तैयारियों में जुट जाती है। यहाँ के कैंपस में शाम ढलने पर डिनर सर्विस शुरू होती है, जो एक बार फिर यहाँ की विशाल कम्युनिटी को एक साथ ले आती है। वॉलंटियर्स अपने स्टेशन्स पर आकर बाल्टियों में चावल और सब्जी भरकर परोसते हैं। बच्चों के लिए दिन बहुत थकाने वाला रहा है, जो बहुतों के लिए सुबह 5 बजे शुरू हो गया था। यूनिफॉर्म की बजाय आम कपड़ों में आए बच्चे थोड़ा सुकून में दिखते हैं। मुन्ना के लिए दिन मेहनत भरा रहा, जो आखिरकार पूरा हो रहा है। आज का दिन तो अच्छा ही था और हम लोग प्रैक्टिस किया, अच्छा किया और कॉलेज भी गया था। और कॉलेज के बाद हम लोग 3 बजे आया, फिर प्रैक्टिस किया, इधर से आके प्रेस प्रास करके अभी आया 8 बजे। मुन्ना भी इतने सारे बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं। सेहतमंद खाने से पेट भरते इन बच्चों को देखकर कहना मुश्किल है कि आने वाला कल इनके लिए क्या लाएगा। वो ऊंचाइयां जिन तक ये पहुंच सकते हैं, वो लीडर्स जो ये बन सकते हैं, और वो सपने जिन्हें ये पूरे कर सकते हैं।